बात उस इंसान से तलाक लेना जिसके साथ आपने अपनी दुनिया बसाई थी, जिसके साथ आपके 3 बच्चे हुए। अब दोनों ने फैसला किया है। ये फैसला सिर्फ एआर रहमान का नहीं है बल्कि सारा बानो का भी है, जो पोस्ट कर चुकी है कि भाई अब बहुत मुश्किल हो गया था संभालना चीज़ों को और इसीलिए दोनों अलग हो रहे हैं, प्राइवेसी का सम्मान किया जाए। वकील की ओर से भी स्टेटमेंट आ चुका है तो लोग चौंक गए, क्योंकि यार रहमान कोई छोटा मोटा नाम तो है नहीं, पूरी दुनिया में लोग उनके गाने सुनते हैं, पसंद करते हैं और ऑस्कर भी मिल चुका है यार रहमान को। अब ऐसे में उनकी बेटी ने इस पर रिएक्ट किया है और रहीमा ने के क्या कुछ लिखा है, क्योंकि रहीमा और उनके दो तीनों जो बच्चे हैं काफ़ी क्लोज रहे हैं परिवार के और माँ के सबसे ज़्यादा क्लोज रहे हैं, क्योंकि यार रहमान कई बार टूर पर भी होते थे तो माँ के साथ बच्चे रहा करते थे। माता पिता का रिश्ता जब टूटता है तो सबसे ज़्यादा असर बच्चों पर पड़ता है। चलिए बताएंगे आपको इस वीडियो में उनकी बेटी क्या कुछ कह रही हैं। वेल, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि सारी की सारी लेटेस्ट खबरें आप तक पहुँचे जल्द से जल्द। रहीमा ने रिएक्ट किया है और साथ ही साथ अपने पिता ए आर रहमान की पोस्ट को भी शेयर किया है। उनकी पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा है, दुआओं में याद रखना। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक और पोस्ट शेयर किया है और उन्होंने प्राइवेसी रखने की बात कही है। रहीमा ने इंस्टा स्टोरी पर लिखा है कि मैं बहुत शुक्रगुजार रहूंगी अगर इस पूरे मामले को प्राइवेसी और इज्जत के साथ ट्रीट किया जाएगा। वो नहीं चाहती हैं कि सोशल मीडिया से लेकर मीडिया में उनके माता पिता के रिश्ते की धज्जियां उड़े। वो चाहती हैं कि इसे प्राइवेट मामला माना जाए, क्योंकि दोनों या रहमान पब्लिक पर्सनैलिटी हैं तो ऐसे में ये जो चीज़ें सामने आई हैं लोगों को चौंका गई हैं और वो नहीं चाहती हैं, उनकी बेटी चाहती हैं कि पूरी इज्जत के साथ इस मामले को ट्रीट किया जाए। आपका क्या कहना है कमेंट कर जरूर बताइए।